कंग्रेचुलेशन, आप लोग की फिल्म आ रही है 28 जुलाई को, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे कंट्रोवर्सी चीज़ें आ रही हैं सामने, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं कि फिल्म को बैन लगाओ, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं मधुर जी आपसे पहले जानना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो क्या टेक होता है आपका, कुछ नर्वस होते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि पहली बात, एक 3 मिनट के ट्रेलर को देख के लोगों ने रिएक्ट किया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि फिल्म टोटालिटी में देखनी चाहिए, ना केवल उसको 3 मिनट के ट्रेलर के हिसाब से आप आंदोलन शुरू करो, पुतले जलाओ और इस तरह की चीज़ें करो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि फिल्म एक जो एक माध्यम है, एक जिस तरह से कोई आर्टिकल लिखता है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, उसी तरह कोई फिल्म बनाता है, और फिल्म जो होती है वो सेंसर में जाती है, सेंसर उसको देखती है, सेंसर उसके बाद गवर्नमेंट ने गठित किया हुआ एक ऑथराइज बॉडी है उसको देखती है, उसके बाद निर्णय लेती है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सेंसर होम तो पिक्चर, उसके बाद हम बात करेंगे इस तरह का आंदोलन, इस तरह की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, उस तरह का विवाद करते हैं पब्लिसिटी के लिए, ये बहुत गलत है जी। सेंसर की मैं बात करूँगा, सेंसर जो 10 तारीख को आने वाला है, तो पता नहीं 10-11 जब हमको डेट आएगी, तो सेंसर से क्या उम्मीद है आपको कि सेंसर? मैं चाहूँगा सेंसर इस पर बहुत ही मॉडरेट रहे और इस फिल्म को टोटैलिटी में देखे, और मैं चाहूँगा कहीं इसके पहलू है, कहीं इसकी ये जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की यंग जनरेशन है, उनको ये फिल्म से बहुत ही एक ओवरऑल समरी मिलेगी कि इमरजेंसी क्या था, और मैं चाहूँगा कि सेंसर इसमें काफ़ी लीनेंट रहे जी। कीर्ति जी आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले इतना बड़ा देश में हंगामा लोग करते हैं, देखते हैं कि मेरी कौन सी फिल्म है और हंगामा हुआ है, ये की तो फिल्म है ये मेरा, हाँ जी जी, इसके पहले आपने पिंक की, लोगों पिंक में तो कोई विवाद था ही नहीं, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया जी। अब ये जो फिल्म आ रही है, इस फिल्म को आने से पहले अब लोग इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि अरे फिल्म को नहीं दिखाना चाहिए, पॉलिटिकल पर बेस्ड ये, तो एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग क्या फील करती हैं? देखिए थोड़ी तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे घबराहट ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कभी कभी होती है, लेकिन क्योंकि मधुर मुझे पता है कि काफ़ी केपेबल हैं इन चीज़ों को संभालने के, तो मुझ तक अभी तक उसका जो एक असर है वो नहीं हुआ है कम्प्लीटली। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक हमने जिस जो फिल्म बनाई है, जिस सब्जेक्ट को लेके बनाई है, कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा तो अंदाज़ा था कि इसको लेके कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे, क्योंकि आप देखिए जो चीज़ें विवाद करने लायक नहीं होती हैं उस पर भी कोई ना कोई उठ के खड़ा हो जाता है, और इस पर तो फिर हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो यू नो विवाद मतलब एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, तो हम तो सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि एज एन एक्टर मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये मेरा जो कैरेक्टर है वो तो टोटली फिक्शनल है, और एज एन एक्टर मैं मतलब मुझ पे मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो मेरा कोई पॉलिटिकल वो एजेंडा है ही नहीं इस रोल को करने का। मैं बहुत एज एन एक्टर मैंने इस रोल को चूज़ किया है, इस रोल ने मुझे चूज़ किया है, और मुझे उसी की बहुत खुशी है। बाकी मैं आई जस्ट होप दैट थिंग्स डोंट गेट मोर सीरियस एंड बहुत शांतिपूर्वक हमारा रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद फिर लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, उनके ज़रूर जवाब मिल जाएंगे जी। मधुर जी, संजय निरुपम का कहना है, क्योंकि अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, कि उनका कहना है कि आप हमें फिल्म दिखाइए, फिल्म के बाद हम जैसा करें कहेंगे कि होनी चाहिए ये सीन नहीं होना चाहिए। देखिए आपको लगता है कि एक डायरेक्टर को इस तरह से कहना है कि फिल्म में ये सीन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से कोई भी फिल्म मेकर का अपना इंडिपेंडेंट एक फंडामेंटल राइट है फिल्म बनाने का, और इस तरह कल आज निरुपम जी बोल रहे हैं, कल कोई और उठ के बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, जगदीश टाइटर जी बोलते हैं उनकी इमेज अच्छी चाहिए, संजय गांधी जी की बेटी कोई बता रही है जो है वो बता रही, क्लेम कर रही है, वो कह रही है कि मुझे फिल्म बता, तो ये आप कहाँ रोकोगे, इसका अंत कहाँ होगा, मैंने इसका तो खत्म ही नहीं होगा, कल कोई और बोलेगा मुझे फिल्म दिखाओ, मुझे फिल्म दिखाओ, तो फिल्में दिखाते रहेंगे, फिल्में दिखाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हम फिल्म जब तक नहीं दिखाऊंगा मैं, जब तक सेंसर पास नहीं होता, उसके बाद उनको देखना है, वो जाइए उनका लीगल रिकॉर्स, उनको जो करना कीजिए, मैं अपने हिसाब से, मेरे लीगल रिकॉर्स से मुझे भी रेमेडीज है, तो मैं अपने हिसाब से, ये पूरा मेरे ख्याल से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पूरा अटैक है, इस तरह की आंदोलन, इस तरह का दुष्प्रचार करना कि इस फिल्म को लेकर बहुत ही गलत है। मतलब हम ऐसा माने कि आपकी टीम की तरफ से किसी को भी सेंसर के पहले फिल्म नहीं दिखाई जाएगी?
मैंने नहीं देखी नहीं फिल्म नहीं अब नहीं तक। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारी टीम के हिसाब से मैंने कितनी कितनी ने डबिंग में देखी, डबिंग में देखी, मैंने फिल्म जो, नहीं जो देखी। फिल्म नहीं 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 लोगों को देखे, पॉलिटिकल पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। माने आप कहाँ रुकेगी, कल एक पार्टी ने बोला हमको देखनी, कल दूसरी पार्टी बोलेगी, तीसरी पार्टी बोलेगी, तो मैं फिल्म ही दिखाऊंगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल से फिल्म सेंसर होने दीजिए, उसके बाद जिसको देखना है वो जाके थिएटर में देखे, और जिसको दिखाना है मैं दिखा रहा, जिसको मेरे को दिखाना है। तो मेरे ख्याल से आप एक ट्रेलर पर रिएक्ट करते, मैंने कहा फिल्म जो है 70% जो है वो इंदु की कहानी है, कीर्ति की कहानी है, कि उसकी जर्नी की कहानी है, कि उसके उसके पति के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल वॉर है दोनों के बीच में, ये सब्जेक्ट वो है। हम तो बायोपिक भी नहीं बना रहे, हम तो डॉक्यू ड्रामा भी नहीं बना रहे, ये बार बार कह कह के हम थक चुके हैं कि भैया ये पिक्चर वैसी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप ट्रेलर को देखकर रिएक्ट मत करो, टोटैलिटी में पिक्चर। लेकिन ये बात पता नहीं लोगों के समझ में नहीं आ रही है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार इस तरह का एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो कीर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से भड़काऊ पोस्टर आ रहे हैं लोग, हमने अभी जो पिक्चर देखी कि कहीं पर है कि फिल्म को बैन करो, माधुर जी को बैन करो, इस तरह से जब भड़काऊ पोस्टर आते हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले, क्या टेक होता है आपका इस तरह से? मेरा कोई टेक नहीं है एक्चुअली। अगर हम चाहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, हमारी हमें अपनी बात कहने के लिए, तो ठीक है, लोगों का लोग अपनी तरह से अपना अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको क्या फील होता है, उनकी क्या ओपिनियन है, तो ठीक है। जब जब तक हमारे एकदम मतलब गले तक पानी नहीं आ जाता है, आई थिंक हम लोग काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और जब वो हो जाएगा तो फिर जैसा मधुर ने कहा कि अगर वो लोग लेटर्स भेज सकते हैं, लीगल नोटिसेस भेज सकते हैं, तो हम श्योर हम भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, और जब जिस चीज़ की जो करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो ज़रूर करेंगे। मधुर जी, जब ये पोस्टर आप इस तरह से देखते हैं कि मधुर जी को बैन करो, फिल्म को बैन करो, क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब डेमोक्रेसी में किसी भी इस तरह की चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से इन लोग आंदोलन करके दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी फिल्म हो, बुक हो, किताब हो, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने मेरे कलीग्स की, मैंने मेरे साथ जो फिल्म मेकर्स, जैसे अपना करण जौहर की फिल्म थी उनके लिए सपोर्ट किया, मैंने उड़ता पंजाब फिल्म थी जिसके लिए आंदोलन हुआ वहाँ मैंने सपोर्ट किया। मैंने हमेशा कहा कि फिल्म को इस तरह से बैन नहीं करना चाहिए, खास करके जब पिक्चर रिलीज पे आ रही है, जिसका प्रोमो ऐड पे है, जितना पैसा लगा है, किसी की लागत लगी हुई है, पैसा कम हो छोटा उसका ये नहीं है, पैसा पैसा होता है जिन्होंने पैसे लगाए हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों की करियर लगे हुए इसमें, कहीं लोगों के करियर लगे, एक फिल्म बनाने में एक केवल फिल्म मेकर नहीं होता बल्कि उसके साथ 125-150 का पूरा यूनिट होता है, जो चाहे वो दो सीन के लिए एक सीन के लिए, वो सब उनकी मेहनत उतनी होती है कि हमने 6 महीने रिसर्च किए, 6 महीने हमने इसको शूटिंग में और इसको एडिटिंग में और लगाया, तो पूरी 1.25 साल की मेहनत है इस पिक्चर को। और मेरे ख्याल से इस तरह का आंदोलन किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही गलत है। आप किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को तो नहीं रोकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है नाम लेकर, या किताब जिसने लिखी ऑथर उसको नहीं बोलते हो, आप फिल्म मेकर के ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हो, इस तरह का आंदोलन करते हो, बहुत गलत है ये। जी मधुर जी, कीर्ति जी, क्योंकि मुद्दा ऐसा है इसलिए मैं एक सवाल आप लोगों से और पूछूंगा कि क्या धमकियों से डर लगता है आप लोग को, या आप लोगों को धमकी भरे कॉल या धमकी इस तरह की आ रही है? देखिए 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 मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि हम जिस तरह से एक प्रचार चल रहा है, जिस तरह से फतवा जाहिर किया जा रहा है कि 1 लाख रुपया हम देंगे मधुर जी का मुंह काला कीजिए, कोई भी हो, मेरे साथ मेरी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है कीर्ति, और हम जाते हैं जहीं पे भी जाते, अब पता नहीं कौन आके, कोई कार्यकर्ता आके कुछ लगा दावे, कुछ फेंके, कुछ क्या करे, तो डर तो रहता ही है ना। हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे लिए तो कोई जाके आंदोलन नहीं कर रहा है किधर भी, हमारे लिए तो कोई आंदोलन करे एक्टर इसलिए डरता है पिक्चर के लिए काम करने क्योंकि उसके फैंस होते हैं, उसके कार्यकर्ता नहीं होते, ये डिफरेंस है दोनों में। कार्यकर्ता जाके थिएटर तोड़ देंगे, कार्यकर्ता जाके घर के बाहर आंदोलन करेंगे जैसे कर रहे हैं, पुतला फूंक देंगे, फैंस भी ऐसे नहीं कर सकते ना कि जाके खड़े हो जावे, वो नहीं करते, फैंस ऐसे नहीं करते। तो ये फ़र्क है कि डर तो रहता ही है ना। घर से निकलने से पहले मेरे को 15-20 फोन आते दिल में, यार भाई ठीक चल रहा ना, ये क्या है, फ़ौरन से फ़ोन आते भाई ज़रा अपना संभालना, अपना देख लेना क्या है बोल के। तो अब तक तो मेरे ख्याल से जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि इस तरह का आंदोलन ना करें, पिक्चर को देखे, पिक्चर को समझे, उसके बाद जो आपका आपकी तकरार है हम सुनेंगे। पहले पिक्चर देखने से पहले आप इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत गलत मैसेज जाता है जी। तो क्या अभी तक ऐसा कुछ कॉल आया आपको कि भाई आप अपनी फिल्म पीछे लीजिए, अब तक का कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, मुझे देखिए, नहीं नहीं देखिए मुझे देखिए मेरे रिलेशन सब पॉलिटिकल पार्टी में है,
चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, मैं जो मेरी फिल्म होती है, जब मेरे रिलेशन है वो किसी एक पार्टी से नहीं होता है, इस सब से है रिलेशन। तो कुछ वेल विशेज हैं मेरे कांग्रेस में भी, जो जो मेरे दोस्त है, इतने सालों से दोस्त है, तो उन्होंने कहा मुझे ये कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, नाम बदल दो, नाम बदलो मैंने मैंने कैरेक्टर्स में पिक्चर में, या कुछ आंदोलन के अपने स्लोगन्स डाले हैं उसको चेंज कर दो, ताकि ये इस तरह का मन मोटा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे नाम बदलने से क्या डॉक्यूमेंट्री में नाम चेंज हो जाएंगे, क्या किताबों में नाम चेंज हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर मुझे करना है मैं वॉलंटियर कर लूँगा, क्योंकि हमारी फिल्म का सवाल है अल्टीमेटली, इतने लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, सबके करियर जुड़े हुए हैं, हम तो ऐसा नहीं कि साल में 5 पिक्चर बनाते हैं, हम तो 1-1.5 साल में 1 फिल्म बनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं, इतना ये करते हैं, तो हमको उस हिसाब से देखना पड़ता है, किसी का फाइनेंस है, किसी का करियर है, किसी की मेहनत है, ओवरऑल हमको सब एस्पेक्ट को देख के चलना पड़ता है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इसको पॉलिटिकल इशू करें बोल के, क्योंकि हमारी फिल्म पॉलिटिकल है ही नहीं। अगर होता तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता 1 घंटे का, 15 लाख में एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती, हम ऐसी फिल्म ही बनाते ना। तो हमको ये देखना है कि हमारी पिक्चर, हमारी हीरोइन कीर्ति की कहानी हम कह रहे हैं, जो हमने बार बार कहा है, ये बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी कीर्ति जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसा कि मधुर जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि फिल्म को बैन लगाओ, फिल्म के पीछे इतनी सारी मेहनत है, करियर है, पैसा भी है, तो क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से लोग इस तरह से फिल्म रिलीज होने को और लोग आपके इस तरह से बातें करते हैं? एग्जैक्टली मेरा सेम सोच है जो मधुर ने अभी आपको सब बताया, कि हम लोग एक्चुअली आप लोगों मतलब लोगों को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किस इंटेंशन से फिल्म बनाई गई है, और मतलब कहने को कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी सवाल लेके, कोई भी विवाद छेड़ देता है, कोई भी आपको लेटर भेज देता है, कोई भी कुछ कर देता है। तो मेरे ख्याल से एक अपने देश में फिल्मों को मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स और रिलीजन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग, अभी मधुर कोई नए फिल्म मेकर तो है नहीं जो सडनली जिनको मन किया कि चलो यार बहुत दिन हो गए, कुछ करते हैं, कुछ पंगा करते हैं, कुछ मज़ा करते हैं, अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ यू नो कुछ करते, ऐसे तो कुछ है नहीं। मतलब एक इतने सालों से फिल्में बना रहे हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे बना रहे हैं, तो ये जो एक इस अगर इस मुद्दे को लेकर इस बार फिल्म बनी है, तो बहुत सोच समझ के बनी है, बहुत रिस्पॉन्सिबली बनी है। जो फिल्म में दिखाया भी गया है वो सारी रिसर्च के थ्रू किया गया है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल है इस टॉपिक को लेकर, उसके बेसिस पे किया गया है। तो कोई मनगढ़ंत तो कुछ यहाँ पे किया नहीं गया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो लोगों को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या सवाल उठा रहे हैं और किस पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा लोगों को या मधुर जी, और एक सवाल ये आपने भी पढ़ा होगा, वीडियो के जरिए आपसे जानना चाहूंगा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है इस फिल्म को लेकर, मधुर जी को बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी ने स्पॉन्सर किया इसलिए मधुर जी ऐसा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिये, पहली बात तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ऐसी बातें है कि इसका कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह से आप इल्जाम लगा के आप मेरी फिल्म को रोक नहीं सकते। पहली बात यह है, मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि अगर मुझे बीजेपी, एक तो जिसने फिल्म खुद फाइनेंस की है, जो प्रोड्यूसर है हमारे भरत शाह, उन्होंने 250 फिल्म बनाई है आज तक, ठीक है, और मैंने इतनी फिल्में बनाई है पिछले 17 सालों में, और ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं से एक फिल्म मेकर आके फिल्म बना रहा बोल के। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और पहली बात तो मैं पॉलिटिकल पार्टी किसी सुनने वाला भी नहीं, कि अगर मेरे को फिल्म बनानी, तो मैं फिर अगर बना था तो फिर मैं 100% इमरजेंसी में फिल्म बनाता ना। अगर मान लो कि स्पॉन्सर्ड है, मान लो आपके हिसाब, उनके हिसाब से स्पॉन्सर्ड है, तो मैं 100% फिल्म बनाता था एकदम आइडेंटिकल, कि भाई ये तो वैसा है, और इस फिल्म को 2019 में रिलीज करता जब इलेक्शन होने वाले हैं पूरे देश में, या 3 महीने पहले जो इलेक्शन गए हैं 5 राज्यों के, उस टाइम इसको रिलीज करता, तो मुझे कौन रोक सकता था? तो ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, ये पीछे से जो बोल रहे हैं, बस किसी को इल्जाम लगा दो, बस उस पर आप प्रूफ करते रहिए, ये इस तरह का एक स्ट्रेटजी है, बिल्कुल गलत है। मेरा हमेशा रहा, अच्छा अब तो मुझे मालूम है कि 6-8 महीने में कोई इलेक्शन ही नहीं है पूरे प्रांत में, मैंने जिस देश में कोई प्रांत में इलेक्शन नहीं है, तो मैं एक बड़ी फिल्म जो आ रही है 28 को उसके साथ रिलीज कर रहा, तो मैं क्यों करता? तो मैं वेट करता ना, मैं थोड़ी कोई 50 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं वेट करता, तो मैं फिर या 100% डेडिकेटेड फिल्म बनाता इमरजेंसी पे, तो मैं ये नहीं बोलता कि 30% या 70% जो है इंदू की कहानी है, तो
तो ये लोग जिस तरह की मानसिकता रख के इस तरह की जो बातें करते हैं, इनको अपना होमवर्क करना चाहिए पहले, उसके बाद बात करना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जिसने इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्म बनाने का, जिसको ना केवल बॉक्स ऑफिस सक्सेस, राष्ट्र पुरस्कार, क्रिटिकल अक्लेम मिला है, उस फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है। कोई मैं ऐसा नहीं उठ के कल ही आया हूँ, आप जानते नहीं यार ये बंदा कौन है फिल्म बना रहा है, तो आप बोल सकते हैं किसी ने इसको प्रॉपअप किया है, ये कहीं से आया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें बहुत ही चीप लेवल पे जाती है। एक एक और सवाल कीर्ति जी और मधुर जी आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में, आपने बहुत ही बेहतरीन पिंक लास्ट जो आपकी फिल्म थी, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आपने ढेर सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी, इंडस्ट्री से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए इंडस्ट्री से लोगों ने बहुत ही सराहा, बहुत से मेरे एक्ट्रेसेस ने, बाकी जो अन्य एक्टर है या कहीं अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे बिजनेसमैन हो, लोग अलग अलग क्षेत्र में, सब लोग ने इसकी तारीफ की। आपने देखा कुछ पिछले 12 दिनों में इसके 50 लाख व्यूज हुए यूट्यूब में, लोगों ने इसे सराहा, पसंद किया। हालांकि इसके कई फॉरेन क्रिटिक्स ने भी इस ट्रेलर की बहुत ही इसको सराहा, पसंद किया है। तो मेरे ख्याल से ट्रेलर अपने आप में इतना जानदार है कि लोगों ने इससे कहा कि हमको पिक्चर देखनी है, ये है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली जब पिक्चर कॉपी रेडी हो जाएगी, सेंसर हो जाएगी, तो हम इंडस्ट्री के तमाम लोगों को, जिनको हमारे वेल विशेज है, और कीर्ति जी के जो वेल विशेज है, जो उनके उनके साथ कलीग्स उन्होंने काम किया, उनको सबको बुलाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे। मुझे एग्जैक्टली मतलब फीडबैक तो मुझे नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, लेकिन मेरे जो भी फैमिली फैम फ्रेंड्स दूर दूर के जो भी हैं, सब जो भी मुझे मैसेज करते हैं वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव ही मैसेज होता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और एक उत्सुकता है सब में फिल्म देखने की, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। एंड चलिए फिल्म के इस सारी कंट्रोवर्सी के अलावा, मैं अगर फिल्म की अगर मैं बात करूं, लोगों को गाने, लोगों को बहुत ही कव्वाली जो आप दिखाने, बहुत ही अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी कि लोगों ने इसे गाने को सराहा है, पसंद किया है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, गाना बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। कल ही हमने एक रिलीज़ किया गाना मोनाली ठाकुर का, जो कीर्ति पे पिक्चराइज है, आवाज़ बहुत ही अच्छा है। आने वाला एक गाना है जो दिल्ली की रात, जो बप्पी लहरी साहब ने गाया है, अनु मलिक ने कंपोज किया, एक ट्रिब्यूट है, वो जो आर डी बर्मन साहब को हम देंगे। लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, कव्वाली दिखाने की जो कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे आप? लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं इसका। हाँ मतलब ओवरऑल जो फिल्म की जो वाइब है वो सब पॉजिटिव ही लग रही है हमें, तो इस जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं उसके अलावा तो सब अच्छा ही चल रहा है अब तक, और आई होप आगे भी अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच थैंक यू लंबा कर दिया तो ना इंटरव्यू।